This is cute. इसे मैं कबर्ड में रखता हूँ। ओए, मेरा पेन ड्राइव लाया? हाँ, मैं तो शॉपिंग करने के लिए गया था ना। पेन ड्राइव नहीं लाया? नहीं लाया भाई, जो मिला वही उठाया। क्या यार? What क्या यार? वैसे डर के मारे मेरी बैंड बजी हुई थी, तुझे तेरी पेन ड्राइव की पड़ी है। एक बात बता, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का? ऑब्वियसली पकड़े जाने से। नहीं, मुझे पकड़े जाने का डर नहीं लगता। मुझे डर से डर लगता है। मतलब? अगर किसी को अंधेरे से डर लगेगा तो वो क्या करेगा? अंधेरे में नहीं जाएगा। उसी तरह मुझे डर से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं डरती। यार तू ना एकदम आइटम है, वन पीस। हेलो मॉम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हारी बैंक में कल पैसे जमा कर दिए। मॉम, एसएमएस आ गया था बैंक से। ओके, इफ यू नीड मोर मनी जस्ट लेट मी नो। ओके मॉम, आई विल लेट यू नो। बाय बाय बेटा। दुनिया के सबसे बिजी पेरेंट्स। जुबी दे केयर फॉर यू। हाँ, केयर करते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए तो उन्होंने रामू काका को भेजा है। अब ये रामू काका कौन है? रामू काका तुम नहीं जानती? रामू काका बाहर आओ, आओ। आज के दुनिया के सबसे अच्छे केयर टेकर रामू काका। ये तो वीजा काका है। यस। ए हेलो, मेरे कपड़े खराब मत करो प्लीज। हेलो, कर क्या रही तू? खिचड़ी पका रही हूँ। पक गई खिचड़ी। नाउ डू एज आई से, साइन कर। वो तो मैं करूंगा, लेकिन क्यों? फॉर्जरी। मैं तेरी साइन फॉर्ज करूंगी। नो 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 नो। यस यस, इस बार वीजा काका को छुट्टी, इस बार तो चेक से पैसे निकालेगा। लेकिन ये सब तय किसने किया? हमने। सोचना, चार्ट पे एक और टिक करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मतलब? मतलब ये कि अकाउंट तेरा, अकाउंट में पैसे भी तेरे, चेक भी तेरा, चेक पे सिग्नेचर भी तेरा। पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि सिग्नेचर तू नहीं, मैं करूंगी, है ना? परफेक्ट फॉर्जरी। चल चल, साइन कर, साइन कर। निवेदिता भट्टाचार्य। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। सो आप जुबिन मोदी को कैसे जानती है? एक्चुअली आई एम डूइंग द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस। ओके, कैन आई हैव योर बिजनेस कार्ड? I'm so sorry, I'm not carrying it right now. लेकिन बिना छानबीन किए मैं चेक पास नहीं कर सकती। तो शौक से छानबीन कीजिए, पर मुझे ये लिख के दे दीजिए कि आप चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बाकी मैं आपके मैनेजर से बात कर लूंगी। पैसे आप नहीं, मेरे क्लाइंट मिस्टर जुबिन मोदी दे रहे। आप अपना काम कीजिए, जिसके पैसे आपको मिलते। इस चेक के पीछे साइन कीजिए। किसके? ऑब्वियसली आपकी। दूसरों की साइन करना फॉर्जरी है, isn't it? थैंक यू।
एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने तुझे गुड आफ्टरनून मैम बोल दिया और तूने सच समझ लिया। तू एक बोरिंग सी क्लर्क है जो जिंदगी भर दो पंच और एक लंच के बीच में हम जैसे क्लाइंट्स को सर्व करती रहेगी। जिंदगी में और कुछ कभी कर भी नहीं पाएगी। ब्लडी लूजर। हाँ? आजकल कोई भी पैसा कमा लेता है। तेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? तू बहुत कम बात करता है यार। ऐसा नहीं, एक मिनट, मेरा मैसेज आया। फॉर्जरी डन। किसे घूर रहा है? अरे ये क्या, मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे जेब में पड़ा और किसी ने मेरे क्रेडिट कार्ड से 11,500 स्वैप कर लिए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? क्या किया तूने उसके साथ? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। हेलो, उस गधे का ब्लूटूथ ऑन था मैडम। हाँ, हार्ड डिस्क में कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी तो मैंने हैक किया। उसे कुछ डिटेल्स निकाले, उसके क्रेडिट कार्ड से मैंने शॉपिंग की और हार्ड डिस्क से सारे डेटा डिलीट कर दिए। अरे इस औरत का प्रॉब्लम क्या है यार? कभी बोलती है एक दबा, कभी बोलती है तीन। यू नो व्हाट, ऐसे जो लोग हैं ये महंगे गैजेट्स तो खरीद लेते लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए IQ, आई मीन योर ब्रेन, वो दुकान में नहीं मिलता। ओए, तेरे एड्रेस से तुझ तक पहुंच गए तो पागल। पागल तू है, मैं नहीं। यू नो व्हाई? मैंने ऐसे ही मन से कोई एड्रेस बनाया और डाल दिया। अभी क्या है कि गिफ्ट भी वापस आ जाएगा और पैसे भी, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। गेन उसका ये होगा कि मुफ्त में उसको ज्ञान मिल जाएगा अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड ही शुड थैंक मी फॉर दैट। वाह 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 मेरे शेर, कमाल कर दिया तूने। मेरे साथ रहते रहते बहुत स्मार्ट हो गया तू भी। एंड यू नो व्हाट, घर जाके ना आज हम दो क्राइम पे टिक मारेंगे, एक फॉर्जरी और एक साइबर क्राइम। और पूजा को जाके बोल देना क्या वो मतलब मजाक उड़ाते रहते मेरी क्लास में, थियरी थियरी थियरी, मेरा प्रैक्टिकल देखा। अरे हम दोनों साथ जाएंगे जुबी सी, कौन कर लिया, शॉपलिफ्टिंग हो गई, साइबर क्राइम, फॉर्जरी भी, चार क्राइम्स कर लिए हमने एंड विंटर प्रोजेक्ट इज ओवर, दोनों साथ में चलते। नो 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 नो, सी द थिंग इज, मुझे उससे डर लगता है। अभी वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता, और वैसे भी प्लान तेरा है। मेरा प्लान? ये हम दोनों का प्लान था जूबी, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम जूबी। व्हाटएवर, एंड यू नो व्हाट, मैं नहीं आने वाला, सो बाय। अरे जूबी सुन तो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उस दिन जाके तुम पूजा को सब कुछ बता देती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। गई तो थी मैं पूजा से बात करने, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम बोलने के बजाय सुनकर आ गई। एंड यू नो व्हाट, ये पूजा की जो थ्योरी है ना, द थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम, इसी ने तुम्हें भटकाया है। हे हेलो, देयर इज नो तुम्हें हियर, और मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा दैट वी ऑलवेज वर्कड एज अ टीम। यस यू आर राइट, मुझे ही तुम्हें रोकना चाहिए था। यह थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम क्या है? जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है पर अपने होशियारी के वजह से वो कानून के हाथों से बच जाता है तो वो उसका क्राइम परफेक्ट क्राइम माना जाता है। वाह, तो आपने उन दोनों को परफेक्ट क्राइम का डिग्री दे दिया? नहीं सर, वैसे तो ये चारों क्राइम की कहानी बताने के लिए सिर्फ निभाई थी मेरे पास। उसने बोला कि उसे एक ऐसे इंसान मिला जो जिसने ये सारे क्राइम्स किए हैं। मैंने बहुत पूछा उसे कि कौन है वो आदमी, पर उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उसे इंटरनेट पे मिली थी और उसका असली नाम चेहरा कुछ नहीं जानती। मैंने बोला कि मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट और कनाइविंग हैं, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया। नीवा, दिस इज अमेजिंग यार। आई मीन जस्ट इमेजिन, हम इस होम थिएटर में डार्क नाइट देखेंगे एंड दैट बैटमोबाइल यू नो गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अमेजिंग यू नो। आई एम जस्ट वंडरिंग, जब पूजा को ये सब पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होगा उसका? आई नो। जूबी, हाँ, हमने इंडियन पीनल कोड के
इन सीरियस क्राइम्स के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया यार। यू मीन टू से रेप एंड मर्डर एंड ऑल दैट? या व्हाट्स सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? हमें जो करना ही नहीं उसके बारे में डिस्कस क्या करना है? हाउ कैन वी किल समवन? और रेप? व्हाट्स सो फनी अबाउट इट? आई मीन हाउ कैन वी रेप समवन यार? जूबी एक मिनट इधर आ। माइंड योर ओन बिजनेस। अरे आ तो इधर। क्या है? रेप मी। व्हाट? या रेप मी। क्रेजी राइट? आई एम नॉट क्रेजी। आई वांट टू फील इट फुल ऑन। आई वांट टू नो कैसा लगता है। फील कैसा लगता है? आई मीन हाउ कैन आई रेप यू? व्हाई कांट यू रेप मी? आई एम अ गर्ल, यू आर अ गाय। रेप करने के लिए जो भी चाहिए सब तो है हमारे पास। कम ऑन रेप मी। यू आर नॉट गेटिंग इट, दैट्स अ प्रॉब्लम। You know what? Zubi, nahi! Zubi, chodo! Nahi! Zubi, ye bachcha! Zubi! 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 Tu ladki hai, kutti? Kutti ki tarah kaategi, tu rape kaun karega? यही तो मैं सोचती थी कि एक अकेला लड़का एक लड़की का रेप कर कैसे सकता है। कम ऑन जू, इट वाज टायरिंग। एक्सेप्टेड, तेरे बस की बात नहीं थी। यू नो व्हाट, देयर वाज नो स्ट्रांग इंटेंट फॉर माय साइड। और वैसे भी तू सक्सीड हो भी जाता ना, तुझे मजा ही नहीं आता। मतलब You idiot! You disgusting pig! ये क्राइम ना पूजा के साथ थियोरेटिकली पढ़ते हैं। क्या? मुझे लगा आज मेरे साथ तो नहीं कर पाया, कल जाके पूजा के साथ करेगा। Stop laughing, huh? Rape is covered under Section 375 of the Indian Penal Code, and understanding of this law आपके victims को मदद करने में बहुत काम आएगा। इसीलिए it's really important for both of you to learn this. पूजा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक अकेला आदमी एक औरत का रेप कैसे कर सकता है? लाइक हाउ? क्या मतलब? मतलब आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक औरत को इंटरकोर्स के सही पोजीशन में लेके आना क्या इतना इजी होता है? खास करके अगर वो दांत काटती और नाखून से नोचती हो। जुबी नीवा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इनफैक्ट वो बहुत मुश्किल हो सकती है, इसीलिए सिर्फ दो केसेस में एक अकेला आदमी एक औरत का रेप कर सकता है। कौन से दो केसेस? पहले तो ये कि जब कोई आदमी जान से मारने की धमकी या फिर कोई ऐसे ही इतनी बड़ी धमकी दी जहां वो औरत सरेंडर करने पे मजबूर हो जाती है। और दूसरा? दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें ना आई गेस यू कैन से हर औरत में हमेशा बचपन से कहीं ना कहीं ऐसा फियर है उसमें। ये फियर जब सच में बदल जाए तो एक औरत साइकोलॉजिकली नम हो जाती है एंड शी कांट रिटेलिएट। सो डिड यू अंडरस्टैंड? नो, माय क्वेश्चन वाज कि जब नाखून या दांत। ओके ओके गाइस, आई थिंक आई हैव टू लीव, जॉय इज इन सम ट्रबल। क्या पता क्या हुआ है। Should I come? No, it's okay. You carry on with the rape
Neva, you'll be fine, right? Yeah, sure. ठीक है, चलो ठीक है. Bye, Zubi. Bye. So yes, my question was कि अगर नाखून या दांत यूज करे तो कैसे रेप कर सकते हैं? Oh, Zubi, really? Joy, Joy. अरे, what happened? दीदी. फोन पे तो बोला था ना आ रही हूँ. हाँ पर. क्या पर? बैठो तो सही. और फिर ऐसा SMS क्यों भेजा? Because I wanted to talk to you. But I don't, and you know that. और तुम्हें क्या लगा इस तरह झूठा SMS भेजोगे तो मैं तुमसे बात करने लगूंगी? तो क्या भेजता? मुझे बात करनी है. तुम आती? Never. I've told you हजार times. जब तक तुम इस गंदगी से बाहर नहीं आ जाते, Joy, you're not my brother. जा रही हूँ मैं. दीदी, please. Don't ignore me. Please talk to me, यार. इस तरह माँ बाबा को इमोशनल कर सकते हो, पर मुझे नहीं. Now stop following me and get lost. दीदी, please. सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉलेज नहीं चलना? जाना है. बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है. नीड अटेंशन. सो अटेंशन नहीं Zubi, इट नीड्स चेंज. यू आर राइट. एंड यू नो व्हाट, यू बोथ आर सो सिमिलर. कैसे? यू बोथ आर टेम्परामेंटल. दोनों को अटेंशन चाहिए. एंड आई हैव बीन राइडिंग बोथ ऑफ यू सिंस वन ईयर. So both need a change. Oh, इसलिए आजकल हर्षदा के आगे पीछे घूमता रहता है. You're right. चल, मेरा चेंज तो हर्षदा हो गई, इसका क्या? याद मत दिलाना प्लीज. वो गाड़ी देख रही है? वो मेरे नेबर की कार. क्या गाड़ी है. जापानीज इंजन है, एक्सेलरेशन मस्त है, पिकअप सुपर. तो चेंज की सारी प्लानिंग हो चुकी है? कहा यार. मॉम कह रही है कि 6-8 महीने में दुबई वापस आना है, तो पैसे बर्बाद क्यों करूं? इन अ वे शी इज राइट. कितने में बेच रहा है? अराउंड 1.5 लाख. क्यों, तू दे रही है? मैं जो दे रही हूँ वो तो अब तुझे हर्षदा से चाहिए. जली जली. हाँ, जल ऐसा. नो वे. मैं तो सोच रही थी कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू विल हर्ट योरसेल्फ. अच्छा सुन ना, गाड़ी के बारे में सोच रही थी, कोई अपना तरीका आजमाए? वैसे ग्रेट आइडिया. हाँ, अपने नेबर की कार चुरा लेते और फिर हर रोज रात को ना पार्किंग लॉट में लाके पार्क भी कर देते. व्हाट एन आइडिया सर जी. ए बोंदू, नेबर की गाड़ी चुराने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ. नेबर से तो खरीदेंगी, पर स्पॉन्सर मम्मी नहीं, कोई और होगा. कौन? दिस कार विल बी स्पॉन्सर्ड बाय चांदनी ज्वेलर्स. No, it's too risky. पकड़े गए तो? पकड़े गए तो? यार तेरा कभी कोई और रिएक्शन होता है? आज तक पकड़े नहीं गए, फिर भी तेरी सुई यहीं आके अटक जाती है. पकड़े गए तो? ठीक है, पर प्लान मेरा होगा, क्योंकि तेरे प्लान ना हमेशा डेंजरस होते हैं. क्यों? क्यों क्या? उस दिन कैफेटेरिया में गई, वेटर से झगड़ लिया. बैंक गई, कैशियर से झगड़ लिया. और उस दिन गिफ्ट शॉप में ओनर से झगड़ लिया. तू सबसे झगड़ा क्यों करती है? थोड़ा चिल मार यार. और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने तेरी कोई चीज चुराई हो. स्टूपिड, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. और ऐसे चुपचाप निकल गए तो क्या बड़ा किया? अरे दो चार गाली देके निकलते, सो देयर इज मच मोर एडवेंचर यार. तेरे एडवेंचर की तो ना, प्लान मेरा होगा एंड दैट्स फाइनल. डन डन. कॉलेज जाने से पहले कुछ टाइम पास करें. हां, टाइम पास के अलावा कुछ आता भी है?